हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हम सभी को चाट खाना बहुत पसंद होता है। सभी चाट रेसिपी को घर पर आसानी से बनाया भी जा सकता है। किसी भी तरह की चाट रेसिपी के लिए इमली चटनी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इमली चटनी परफेक्ट तरीके से बनाई गई हो तो चाट का स्वाद और बढ़ जाता है। इसलिए आज मैं परफेक्ट इमली चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इमली चटनी बनाने के लिए सामग्री 200 ग्राम इमली, 200 ग्राम गुड़, शक्कर, साबुत सौंफ, बारीक कटे काजू और किशमिश, बारीक कटा सूखा नारियल, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, सौंठ पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इमली को मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था, जिसे इमली फूल गई। अब मैं इसको मैश करके इसका पल्प निकालूंगी। इमली को अच्छे से पानी में मैश करना है, जिससे कि उसका पूरा पल्प निकल आए। पूरी तरह अच्छे से मैश करने के बाद इमली को स्ट्रेनर से उसी कढ़ाई में छान लीजिए जिसमें आपको चटनी बनानी है। कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं। इमली को अच्छे से कढ़ाई या पैन में छान लेना है। स्पून की सहायता से उसका पल्प अच्छे से निकालना है। अब इसको हम कम आंच पर रख देंगे और इसमें जो हमने 200 ग्राम गुड़ लिया था उसे मिलाएंगे। गुड़ को मैंने पहले ही छोटा छोटा टुकड़े में कर लिया था। गुड़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर की मात्रा आप अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। इसमें 1.5 चम्मच सौंफ, जो साबुत है, उसको डालकर मिला लेंगे। अब सूखा कटा नारियल 2 चम्मच, ड्राई फ्रूट्स जो किशमिश और काजू के टुकड़े लिए थे 2 चम्मच, और सफेद नमक 1/4 चम्मच मिलाकर चटनी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम उसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अब हमारी चटनी पककर तैयार हो गई है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें काला नमक पाउडर जो हमने 1/4 चम्मच लिया है डालकर आंच को बंद कर देंगे। काला नमक डालकर हमें चटनी को ज्यादा नहीं पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और हमारी चटनी तैयार है।
इसको ठंडा करने रख देंगे। रूम टेम्परेचर होने के बाद हम इसको किसी भी कांच के कंटेनर में भर के फ्रिज में रखकर करीब 1-2 महीने के लिए प्रिजर्व कर रख सकते हैं।